ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୟାର ବିଜେପି। ଆସିଲା ବିଜେପିର ଦଶମ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ଦଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଓ ୟୁପିରେ 7 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ବିଜେପି। 428 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଲାଣି ଦଳ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରଣ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ତୟାର। 543 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 428 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଲାଣି ଦଳ। ବୁଧବାର ବିଜେପି ଏହାର ଦଶମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ 3 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓ ୟୁପିର 7 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜୟବୀର ସିଂ ଠାକୁର ମେନପୁରୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯିଏ ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଦେଖିଏ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କଇ ବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସତ୍ତା ରହି ହେ आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई, और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं, वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौशाम्बी लोकसभा आसन विनोद सोनकर प्रतिद्वंदिता करेंगे। फुलपुर दल कुर्मी संप्रदायर नेता प्रवीण पटेल को सुजोग निष्पत्ति गुरुत्वपूर्ण, कारण यह लोकसभा निर्वाचन मंडली में कुर्मी एवं मौर्य संप्रदायर भल जनसंख्या रही। आलाहाबाद आसनरु बीजेपी ब्राह्मण चेहरा थिबा नीरज त्रिपाठी को सुजोग देछि। वर्तमान पर्यंत रीता बहुगुणा जोशी एठारु सांसद थिले, किंतु एथर तांको टिकेट कटा जाइछि। पार्टी बालियारु नीरज शेखर, माखिली साहारु बीपी सरोज ओ गाजीपुरु परासनाथ राय को ठिया करिछि। पार्टी ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, आपको मालूम ही है। पिताजी पहली बार यहां से लड़े तो मिनिस्टर हुए, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हुए, फिर पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया। मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, और ये सारी चीज़ें हमको पार्टी ने ही दी है। अब मौका मुझे मिला है पार्टी के लिए कुछ करने का, तो मैं जी जान से पार्टी के लिए लगूँगा। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनके लिए लगूँगा, और अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूँगा कि पार्टियों की सारी नीतियाँ जन जन तक पहुँचे और आखिरी आदमी तक पहुँचे। एथर बीजेपी चंडीगढ़ लोकसभा आसन संजय टंडन को टिकेट देछि। वर्तमान पर्यंत बॉलीवुड सेलिब्रिटी किरण खेर एठारु सांसद थिले, किंतु तांकु सुजोग मिले नाही। ए विषय रे कल्पना जल्पना करा जाउतला। ए तालिकारे बंगलार आसानसोल सीट रु एस अलुवालवाई को नाम मध्य अंतर्भुक्त करा जाइछि। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे जो गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी के तौर के ऊपर मुझे चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है, सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर ही संजय जी को जिता कर लाएंगे। पूरा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए वो एक अपने घर जैसी जगह है, और माननीय मोदी जी ने और माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है, वो वहाँ की जनता की भी आवाज़ थी कि एक बार भूमिपुत्र होना चाहिए। तो भूमिपुत्र में जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभेच्छा देकर भेज रहे हैं कि वो सीट जीत कर लाए हम। या पूर्वरु भोजपुरी गायक पवन सिंह को यही आसन पाई प्रार्थी करा जायतिला, किंतु सेतेबेले तांको नामरे विवाद देखा जायतिला, से नीचे टिकट फेरस्त करथिले। एबे दल निजर पुरुणा चेहरा को एठारु सुजोग देछि।
तबे जाए ए सबु सीट रे विरोधी प्रार्थी देई परिनांती। ब्यूरो रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।